जब तमाशा बनाया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों, चराग मेरी उम्मीदों के झिल मिलाए क्यों, जला जला के बुझाया है जिंदगी। हम बहनों ने अपने भाई को राखी बांधने में मुश्किलें क्या उठाई, ऊपर वाले को भी प्यार उमड़ा है हमारे भाई पर। पहले कमिश्नर साहब ने मुझे समझाया, फिर धमकी दी, पर अब इस तरह तुम लोगों को भड़का रहे हैं। दोस्ती निभाने के लिए ऐसी ओछी हरकत पे उतर आए। सिकंदर पर कोई हावी हुआ है। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, परेशानी कैसी, ऑफिशियल मामला है, ये सब तो होता रहता है। मुझे तुरंत निकलना होगा, अपने मतलबी दोस्त के खातिर, उससे उसका बदला पूरा करने के लिए मुझसे बदला लेने पे उतारू, और फिर उसे डिपार्टमेंटल एक्शन का जामा पहना दिया। डिपार्टमेंटल एक्शन, माई फुट, देखूं तो कि मेरे खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। मैं किसी को अपने घर से बाहर नहीं निकालने वाली। सुमी, सुमी बात क्या है, मुझे भी नहीं बताओगी? अरे बताने वाली कोई बात नहीं। देखो, मुझसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। सुबह से मैं देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? उस लेटर में क्या लिखा था? अरे कुछ खास नहीं, पुलिस की नौकरी में तो थोड़ी बहुत टेंशन चलती रहती। लेकिन वो टेंशन है क्या? शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं? नहीं सबा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। खैर तुम टेंशन मत लो और जाकर सो जाओ, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ सबा, कुछ बताया सिमरन ने कि वो क्यों परेशान है? नहीं। ये क्या है? ये वही लेटर है, शायद इससे ही कुछ पता चला। क्या लिखा है इसमें? मैंने कहा था ना, टेंशन वाली बात जरूर है, छोटी मोटी टेंशन तो वो खुद को भी महसूस होने नहीं देती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसा क्या लिखा है इसमें? डिपार्टमेंटल नोटिस है, एसीपी सिमरन बेदी ने बिना इजाजत सरकारी आवास में अनजान लोगों को रखने का जुर्म किया है। क्या? उन्हें जल्द से जल्द घर से निकालने का ऑर्डर दिया जाता है, और ये ऑर्डर ना मानने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिंदगी थोड़ी देर के लिए हमारे हाथ में रेत की तरह आती है, और जितना हम उसे अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं वो उतना ही धीरे धीरे फिसलने लगती है।
मानने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं कहती थी ना सभा, चोट पर चोट पहुंचाना इस सक्सेना परिवार की फितरत है। वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। ये उनका एक नया हथकंडा है, उनकी निष्ठा की तो कोई मिसाल ही नहीं है। बेचारी सिमरन, जब तमाशा बनाया। हमें भी थोड़े ही अच्छा लगता है इस तरह से किसी का घर खाली करवाना। दरअसल आप लोगों ने कोई जरिया बताया ही नहीं कि आगे की किस्त कैसे चुकाएंगे। दरवाजा? कौन सा दरवाजा, कैसा दरवाजा? एक दिन आप ही ने बंद किया था ना दरवाजा मेरे लिए। काम करो, तुम मेरे साथ चलो। जी। घबराओ नहीं, अपने घर चलने के लिए कह रही हूँ, पुलिस स्टेशन नहीं। बारे में मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? और मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। श्रद्धा, तुझे भी नींद नहीं आ रही ना? तू भी जगी हुई है ना बेटा? माँ, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? जिंदगी थोड़ी देर के लिए हमारे हाथ में रेत की तरह आती है और जितना हम उसे अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं वो उतना ही धीरे धीरे फिसलने लगती है। अशरफ, जब शरद का सस्पेंशन खत्म हुआ तो मुझे लगा हमारी कश्ती साहिल के करीब आ रही है, मगर सच तो यही है कि अभी भी साहिल से बहुत दूर हम लोग मझधार में फंसे हुए हैं। सिमरन बेचारी क्या क्या करेगी हमारे लिए? भगवान उसे सारी मुसीबतों से दूर रखे। अब सो जाओ माँ, मुझे कुछ सोचने दो, जल्द ही कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे, ये आप लोग सुबह सुबह बैग शैग लेके कहाँ जा रहे हैं? सभा? श्रद्धा, अरे तुम ही लोगों से पूछ रही हो, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? आंटी, शरद भैया, बात क्या है? ओह, तो ये बात है। मैं यहाँ बैठी आप लोगों का इंतजार कर रही थी कि आप लोग आए तो साथ बैठकर चाय पिए। मगर मैं देख रही हूँ कि आप सब तो मुझे छोड़कर जाने को ही तैयार हैं। ये सब जानने और समझने के बाद हम जानबूझकर तुम्हारी परेशानी तो नहीं बढ़ा सकते ना? आपसे किसने कहा कि मुझे कोई परेशानी है? परेशानी तुम्हें नहीं, तुम्हारे डिपार्टमेंट को तो है ना? आंटी, यहाँ से किसी को भी जाने की जरूरत नहीं। लेकिन सिमरन। नहीं आंटी, आप ही ने तो कहा था ना कि मैं आपकी बेटी जैसी नहीं बल्कि बेटी ही हूँ, तो आप अपनी बेटी को से अकेला कैसे छोड़ के जा सकती? अरे पगली,
हम तुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? हम तो बस ये तुम्हारा सरकारी मकान छोड़ के जा रहे हैं, और वो भी इसलिए कि... अच्छा, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप लोग जाएंगे कहाँ? हाँ हाँ, एक मकान हमने किराए पे ले लिया है। आंटी, हमेशा सच बोलने वालों का झूठ आसानी से पकड़ा जाता है। सिमरन, हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी जिंदगी में तुम्हारे जैसा एक सच्चा साथी है, जो हमारे लिए खुद मुसीबतों का सामना करने को तैयार है। लेकिन सिमरन, हर रिश्ते में हर एक को अपना अपना फर्ज निभाना होता है, और तुमने तो बखूबी अपना फर्ज निभाया है। अब हम सबकी बारी है, अब हमारा फर्ज ये कहता है कि हमें तुम्हें और मुसीबत में नहीं डालना है। और तुम लोगों ने ये मान लिया कि अपने आप को मुसीबत से बचाने के लिए मैं तुम सबको बेघर हो जाने दूंगी? इतना इतना मतलब ही समझ रखा है मुझे? और सबा, तुम तो मुझे बहुत पहले से जानती हो ना, पर तुम ही इन्हें रोकने की बजाय इनके ही साथ हो चले। सिमी, वो मैं... चुप, बिल्कुल चुप। तुम तो कुछ बोलना भी मत। नाराज मत हो सिमरन, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर हम सबकी वजह से तुम्हारी नौकरी पर कोई भी आ जाती है, तो क्या हम सब अपने आप को माफ कर पाएंगे? ओफो, किसने कहा आंटी? मेरी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। अरे आंटी, आपको तो तेज बुखार है। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। आंटी, आपको इतना तेज बुखार है और मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। खैर, अभी तो आप लोग अपना सामान अंदर रखिए, और यहाँ से कोई नहीं जाएगा। लेकिन सिमरन, मेरी बात तो सुनो बेटा। मैं कुछ नहीं सुनने वाली आंटी, आपको मेरी कसम। आप सब अपना सामान लेके अंदर जाइए। सबा, तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम लोगों का अगर जाने का मन था ही नहीं, तो क्या जरूरत थी बेमतलब इस दिखावे की? दिखावा? ये आप कैसे बातें कर रही है मम्मी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अगर ये सब दिखावा नहीं होता, तो तुम लोग सिमरन की जिद के झुकते ही क्यों? हाँ, हम तो तुम्हारी बीमारी की हालत को देखते हुए चुप रहे माँ। मेरी बीमारी को बहाना बनाने की जरूरत नहीं है शरद। लेकिन माँ जी, आप खुद ही सोचिए, आपकी तबीयत तो खराब है ही ना, अगर ऐसे में हम कहीं जाते भी तो कहाँ जाते? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, अरे कभी तो शहर में नहीं है, और फिर यहाँ हमारा है ही कौन जिसके पास हम जा सके? तुम सब लोग स्वार्थी हो स्वार्थी, अपना सुख देखने के चक्कर में तुम्हें सिमरन की मुसीबत दिखाई नहीं दे रही? नहीं माँ, हम में से कोई भी स्वार्थी नहीं है। मम्मी, सिमरन की प्रॉब्लम हम समझते हैं, लेकिन हम सब भी तो मजबूर हैं ना। आपको इस हालत में दर दर की ठोकरें खिलवाना, पार्क में रात बिताने को मजबूर करना, क्या हमारा धर्म इस बात की अनुमति देता है मम्मी? मुझे ये सब नहीं सुनना श्रद्धा। माँ, हमें भी ये सब कहना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सच मानिए, जैसे ही आपकी हालत सुधरेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ चलना है तो चलो। लेकिन माँ, सिमरन की कसम। कसम वसम की परवाह करो? अरे उससे बेहतर है कि उसकी नौकरी, उसकी जिंदगी की परवाह करो। मैं नहीं मानती किसी कसम वसम को। मैं यहाँ से जा रही हूँ, जिसे चलना है वो चले, और जो रुकना चाहता है वो रुक सकता है, मगर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। माँ? मम्मी? मम्मी जी? माँ, क्या, मम्मी जी, क्या, क्या हुआ माँ? मम्मी जी, आप आराम करें। आप आइए ठीक। मम्मी, आप प्लीज मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए प्लीज।
मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी डॉक्टर की दवाइयों का तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। कहीं कहीं मलेरिया के अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? वो तो ब्लड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके लिए तो मम्मी को क्लिनिक ले जाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को यही लाता हूँ, वही ब्लड लेगा। ठीक है, तुम लोग माँ का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। कहा सवा, मैंने सब कुछ कहा और सीनियर को दी गई मेरी सारी दलीलें बेकार हो गई। पता नहीं ऐसे अजीब अजीब से कानून बघारने लगे जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। मुझे सिखाने लगे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने वर्दी बस यूं ही पहन ली। इस बार जनार्दन सक्सेना अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, कोर्ट के केस की सुनवाई की तारीख आगे बढ़वा नहीं पाए, इसलिए हर बार की तरह पुलिस की मदद लेकर शिम्पू के फैमिली को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। बस उसकी फ्रस्ट्रेशन है, दैट्स इट। सवा सीधे तरीके से चलने वालों का जमाना ही नहीं। दरअसल गलती मैंने की जो मैं इस प्रॉब्लम को सीधे तरीके से सॉल्व करने लगी। अब देखना मेरी टेढ़ी चाल। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, आपके पास बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, वो लोग मेरे ही घर पर हैं। पर सर, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी पर सर, ऐसे हालात में मैं उन्हें बाहर कैसे जाने दूँगी? ठीक है सर, आप डिपार्टमेंटल कार्रवाई कीजिए। जी हाँ, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हेलो हेलो, क्या हुआ समी? समी क्या हुआ? बोल रहे हैं तुम लोगों को एक घंटे के अंदर किसी भी हालत में घर खाली करना पड़ेगा। समझते क्या हैं लोग अपने आप को? मेरे भी लोग हैं मिनिस्ट्री में, मुझे लगा नहीं था कि ये सब करना पड़ेगा, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देखो सिमी, ये सब कुछ करके ना कोई फायदा नहीं। तो क्या इन लोगों को मनमानी करने दे? देखो सिमी, अगर किसी भी तरह तुम इन लोगों पर प्रेशर डलवाती भी हो तो भी मौका मिलने पर ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, समझ रही हो? तो बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। नहीं सबा, मैं सब मैनेज कर लूंगी ना। नहीं सिमी, मैं उन लोगों को तुम्हारी इमेज और रेपुटेशन पर उंगली उठाने नहीं दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। सबा, सब मोबाइल लूट रही चली। जब जरूरत होती ना तो कोई काम नहीं आता। अब तो रिपोर्ट के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। इसका मतलब मलेरिया नहीं भी हो सकता है, क्या पता, पर हालत तो बहुत सीरियस लग रही है। अच्छा, तो ये ड्यूटी तुम्हें ही मिली? जी मैडम, बहुत बुरा लग रहा है और ऊपर से ऑर्डर है। तो मेरे खातिर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो? हम लोगों को ऑर्डर है कि यहाँ पहुँचने के आधे घंटे के अंदर ही। ठीक है, तुम लोग अपनी ड्यूटी निभाओ। आप लोगों को इस तरह से जाते हुए देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों, चराग में जला के बुझाया है जिंदगी ने हमें, क्यों अपना